10 लाख है 100 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर 10,000। इस केस में 15 लाख, अगर आप इक्विटी शेयर से रेस करते हो 15 लाख, 100 रुपए का 15,000। आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर यहाँ 20 रुपए हो गई, यहाँ पे 27.5 हो गए। नीचे हैंस लिख देना, हैंस अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ डेप्ट, सो डेप्ट मस्ट बी हैंस प्रूफ कि हमें अगर आरओई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, डेप्ट, जिससे हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिल सके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, दे दिया मैंने वो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ बच्चों, क्वेश्चन डाल दिया मैंने ग्रुप पे। इसके बाद एक और क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, ठीक है जी। एक मैडम इफेक्टिव, एक ना एक नंबर का और क्वेश्चन आता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रिटर्न, वो ज्यादा देर का नहीं है, 10 मिनट का और कंसेप्ट है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी ग्रुप पे डाला है बच्चों क्वेश्चन 28। प्लीज भाई, प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ जो आपको ईबीआईटी दे रखा है 10 लाख, ईबीआईटी कितना दे रखा है 10 लाख दे रखा है ईबीआईटी। मैडम प्लीज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 10 लाख का। कंपनी वांट्स टू इंक्रीज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50% थ्रू एडिशनल इशू 10% डिबेंचर्स। हमें वही है जो कैपिटल रेज करनी है और एडिशनल ईबीआईटी है आपका 10 लाख का, हमें 50% पैसे और चाहिए थ्रू एडिशनल इशू डिबेंचर। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 50 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी है बच्चों कितनी, 50 लाख, आउट ऑफ विच 40 लाख वाज रेज थ्रू इक्विटी। 40 लाख कैसे रेज किया हमने, इक्विटी से, और 10 लाख कैसे रेज किया हमने, डेप्ट से। ये इक्विटी और ये डेप्ट, ये 10% डिबेंचर से रेज किया हुआ है, ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ये है। टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट है 40%, फेस वैल्यू शेयर 10 रुपये है, फेस वैल्यू शेयर 10 रुपये है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। एज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी सेम, वही है जो पिछले क्वेश्चन की तरह है कि आरओई सेम रहेगा। कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड ईपीएस ऑफ द कंपनी ऑन इशूइंग एडिशनल डिबेंचर, शो यू वर्किंग क्लियरली, डू यू थिंक द कंपनी हैज़ द राइट टेक द डिसीजन बाय चूजिंग डेप्ट टू द रेज फॉर द कैपिटल, नेम द कंसेप्ट अंडरलाइनिंग दिस डिसीजन। देखो जो आपको वही सेम क्वेश्चन जैसे ही है जो पिछला क्वेश्चन था कि ना हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारी प्रेजेंट ईबीआईटी 10 लाख है, कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय 50%, हम अपनी इन्वेस्टमेंट 50% बढ़ाना चाहते हैं थ्रू एडिशनल इश्यू डिबेंचर्स। कंपनी की टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 50 लाख है, जिसमें 40 लाख रुपये हमने इक्विटी से रेस किया हुआ है और रेस्ट डिबेंचर से रेस किया हुआ है। टैक्स लेवल 40%, ठीक है जी। देखो जो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ध्यान समझ लीजिएगा सब बच्चे, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख। कह रहे हैं जो 50 लाख है, 40 लाख हमने कैसे रेस की हुई है, इक्विटी से, और 10 लाख कैसे रेस की हुई है, डिबेंचर से। टैक्स रेट है 40%। क्वेश्चन चाहता है कि हमें पैसों की और जरूरत है, हमें कितने पैसों की जरूरत है, एग्जिस्टिंग कैपिटल से 50% और जरूरत है, एडिशनल और कितनी जरूरत है, 50% की और जरूरत है, यानी कि एडिशनल कैपिटल और चाहिए। एडिशनल कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल ये 50 लाख और एडिशनल कितनी चाहिए, 50% और चाहिए। 50 लाख का 50% कितना होता है, 25 लाख, तो एडिशनल कैपिटल और चाहिए, एडिशनल कैपिटल और चाहिए 25 लाख की, यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर कितनी हो जाएगी, 75 लाख हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 75 लाख। वो कह रहे जो एडिशनल पैसा रेस कर रहे हैं ना, वो हमने कहाँ से रेस किया, डिबेंचर से, कहाँ से रेस किया, क्या हमने सही किया या गलत किया, और ईपीएस निकाल के दिखाना है कि हमने सही किया या गलत किया, ठीक है जी। तो देखो जो कैसे करेंगे, वो कह रहे आरओई सेम रहेगा, आरओई क्या रहेगा, जो पहले आरओई था वही रहेगा। पहले आरओई निकाल लो जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100,
हाँ, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतनी थी पहले 10 लाख, ये एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है। अगर आपने पुरानी ईबीआईटी रखी तो नीचे भी क्या रखोगे, पुरानी ईबीआईटी रखोगे, पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड रखोगे। अगर आपने ऊपर पुरानी ईबीआईटी रखी है तो नीचे भी पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड रखोगे। कितनी आ गई जो आरओआई, ईबीआईटी आरओआई इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 200। अगर आपने ऊपर पुरानी ईबीआईटी रखी है तो नीचे भी पुरानी कैपिटल एम्प्लॉयड रखोगे। कितनी आ गई, 20%। समझ आ गया बच्चों बात? अगर आपने ऊपर पुरानी ईबीआईटी रखी तो नीचे ही पुरानी रखोगे। अब कह रहा है आरओआई सेम रहेगी, आरओआई क्या रहेगी, आरओआई सेम रहेगी, जो पहले आरओआई थी अब भी वही आरओआई सेम रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली, यानी न्यू आरओआई भी 25% ही रहनी है, चेंज नहीं होगी। समझ आ गया, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या 20%, हाँ सॉरी, तो जो पूरा वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन करने के बाद भी आरओआई 20% रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। समझ आ गई बात? तो जो वही है न्यू ईबीआईटी निकाल लो, क्या निकाल लो, न्यू ईबीआईटी फॉर्मूला क्या होता है आरओआई का, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, हाँ जी, न्यू ईबीआईटी निकालनी है, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है 75 लाख की, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है 75 लाख की। कितना आ गया बच्चों ईबीआईटी 75 लाख का 20%, 75 लाख का 20% कितना आ गया, 15 लाख, 15 लाख ना, तो जो न्यू ईबीआईटी आ गया 15 लाख, यानी कि आफ्टर एक्सपेंशन आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी हो जाएगी, 15 लाख हो जाएगी। आफ्टर एक्सपेंशन आपकी ईबीआईटी कितनी हो जाएगी, 15 लाख हो जाएगी। ओके, तो जो आफ्टर एक्सपेंशन आपकी ईबीआईटी हो जाएगी 15 लाख। अब आपको बताना, देखो जो सीधी सी बात है, आरओआई क्या है, ग्रेटर देन आरओआई कितनी है 20%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, नए डिबेंचर का रेट भी 10% है, आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, आरओआई इज ग्रेटर देन, तो आरओआई जो 20%, डिबेंचर रेट कितना है 10%, तो अगर आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो तो क्या यूज करना चाहिए, डेब्ट, क्या यूज करना चाहिए, क्योंकि आप डेप्ट यूज करोगे तभी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। समझ आ गई बात? तो यस, एज द आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो डेप्ट यूज करना चाहिए। वो कह रहे प्रूव करके दिखाओ ईपीएस से कि हमने जो डेप्ट यूज किया उससे हमारी ट्रेडिंग इक्विटी मिल रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है जी, तो वही है, दो अल्टरनेटिव बना दो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो जो दो अल्टरनेटिव बना दीजिए, पहला अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव, आपको दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि भैया वैसे तो आरओआई ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, यस डेप्ट मस्ट बी यूज, डेप्ट मस्ट बी यूज्ड, अगर आप डेप्ट यूज करोगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, लिख देना यस डेप्ट मस्ट बी यूज्ड टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर टू गेट द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, अगर आपको अर्निंग पर शेयर बढ़ानी है तो आपको डेप्ट यूज करनी चाहिए। हाँ जी, जो दो अल्टरनेटिव है, पहला था जी फर्स्ट जो था आपका इक्विटी कितने की, आपकी इक्विटी आपकी 40 लाख की पुरानी इक्विटी थी, अगर हम 40 लाख की इक्विटी जो एडिशनल पैसा चाहिए 25 लाख वो भी इक्विटी से रेस करते हैं तो 65 लाख इक्विटी हो जाएगी, 65 लाख इक्विटी हो जाएगी, और डेप्ट जो पुराना था वही रहेगा, और जो डेप्ट जो पुराना था वही रहेगा 10% डिवेंचर 10 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 75 लाख। दूसरा ऑल्टरनेटिव, एक तो ऑल्टरनेटिव था इक्विटी से पैसा रेस कर ले, अगर इक्विटी से पैसा रेस करते हैं 25 लाख तो हमारी इक्विटी 40 से 65 हो जाएगी और डेप्ट सेम रहेगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव है डेप्ट से पैसा रेस कर लें, अगर डेप्ट से पैसा रेस कर लें तो इक्विटी वही रहेगी, इक्विटी वही रहेगी 40 लाख, लेकिन डेप्ट जो है 10 लाख वो 25 लाख और बढ़ जाएगा, 35 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 75 लाख ही रहेगा। समझ आ गया जो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई हमारी, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 50 से 75 करनी है, एक रास्ता इक्विटी से रेस कर लो, अगर आप 25 लाख इक्विटी से रेस कर लेते हो तो एग्जिस्टिंग इक्विटी 40 से 65 हो जाएगी और डेप्ट सेम रहेगा। दूसरा रास्ता है कहाँ से रेस कर लो, डेप्ट से रेस कर लो, अगर हम डेप्ट से रेस कर लेते हैं तो हमारी डेप्ट 25 लाख से बढ़ जाएगी, 10 से 25 बढ़ जाएगी, 35 हो जाएगी, इक्विटी सेम रहेगी। हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगी। करो भाई ईबीआईटी निकालो, ईबीआईटी कितनी है, न्यू ईबीआईटी होगी 15 लाख, न्यू ईबीआईटी है 15 लाख, ईबीआईटी में क्या माइनस कर देते हैं,
हाँ जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट, क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस केस में तो है 10 लाख का 10% 1 लाख, इस केस में कितना है 35 लाख का 10%, 3,50,000। क्या आ गया जो EBT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 14 लाख। इधर कितना आ गया, 3,50,000 और टैक्स, टैक्स कितना है बच्चों, EBT में टैक्स माइनस करो, टैक्स रेट कितना दे रखा है, हाँ जो टैक्स रेट कितना दे रखा है 40%, टैक्स रेट दे रखा है 40%, टैक्स रेट दे रखा है जो 40%। करो जी 14 लाख का 40% कितना होता है, 5,60,000। इधर कितना आ गया, 11,50,000 का 40% करना 4,60,000। कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस कर देना, ये आ गया अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, देखना कितना आ गया 840 और 690 डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर दो नंबर इक्विटी शेयर से, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अरे जो नंबर इक्विटी शेयर देखो, एक शेयर है 10 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 650, नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 650, 65 लाख है ना, एक शेयर 10 रुपए का है, नंबर ऑफ शेयर हो गए 650, यहाँ पे एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है, नंबर ऑफ शेयर हो गए 4 लाख। करना हो जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर शेयर निकालना कितना आ गया 1.29। तो आप देख सकते हो जो अर्निंग पर शेयर कहाँ बढ़ी, डेप्ट यूज करके, हैंस प्रूफ कि भैया हमें डेप्ट यूज करनी चाहिए, अगर हम डेप्ट यूज करते हैं तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। हाँ मैडम बोलो कुछ, मैडम क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया था बताओ जी। मैडम देखो ये, देखो ये है ना 50 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, क्वेश्चन में क्या हुआ था 40 लाख इक्विटी से यूज कर रहे हैं, 10 लाख डिवेंचर से यूज कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग था, 25 लाख रुपए और चाहिए, एक रास्ता है इक्विटी से रेस कर लो, अगर इक्विटी से रेस करते हैं तो इक्विटी हो जाएगी 65 लाख, डेप्ट सेम रहेगी 10 लाख। एक रास्ता है कि 25 लाख डेप्ट से रेस कर लेते हैं, डेप्ट से रेस करते हैं तो न्यू डेप्ट हो जाएगा 35 लाख, इक्विटी रहेगा 40 लाख। समझ आ गया मैडम, क्यों नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये बताऊँ पेपर में दोनों क्वेश्चन ना पेपर के हैं, बोर्ड के थे दोनों क्वेश्चन, ये मैं समझो हमारे स्कूल में आ रखे हैं, ये पुराने बोर्ड के क्वेश्चन हैं, क्या है ये, तो फिगर चेंज करके आएगा क्वेश्चन। समझ आ गया आप लोगों को, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, तो तीनों हमने किया ना, तीनों के तीनों बोर्ड में आ रखे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में ना आया हो, क्वेश्चन आएंगे यही, बस फिगर चेंज होकर आ जाएगा, एक लास्ट NCERT का कर लो जो NCERT में है, ठीक है जी। वैसे ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था बोर्ड में नहीं आ रखा, एक लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं NCERT का, कहाँ गई वो बुक, एक बुक थी ना, वैसे आप लोगों ने किया होगा NCERT किया तो सबने, कि सुभाष जी भी की होगी, कुछ भी किया हो उसमें है, एक बच्चों एक इसका प्रैक्टिकल आता है 4 नंबर का, एक ना टैक्स रेट का क्वेश्चन आता है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालो, आता सबको वो, 5 मिनट का काम है वो भी कर लेना, एक मतलब होता क्या है, या तो 6 नंबर का ऐसे पूरा आ जाएगा, सुनो या तो 6 नंबर का पूरा ही आ जाएगा, अगर 6 का नहीं आया ना 4 का ही आएगा, 1 नंबर का वो आएगा क्या, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालो, आता सबको क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट का, बताओ भाई किसी को नहीं आता, हाँ भाई जो दूसरे या BSc ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट, नाइस, सर मेरे से पढ़ते नहीं हैं, मेरे पे बैठे नहीं हुआ यहाँ पे कोई, वो इस वक्त उन्हें करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ जो देखो जी वो भी करके जाना भाई, अगर 4 नंबर ये क्वेश्चन आया साथ में 1 नंबर का वो MCQ में आएगा, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालो या टैक्स सेविंग निकालो, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा।
जी अभी तो एनसीईआरटी होश आ रहा हूँ, फोटो डाल रहा हूँ ग्रुप में। कहाँ गया? तो डाल दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन 1-4 ऑन द बेसिस सेम। बच्चों ये ना एग्जांपल भी याद कर लेना, सुनो ये एग्जांपल इसलिए भी याद करने का है क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल ना नहीं भी आया ना तो आपको क्या आएगा, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद एग्जांपल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद, तो ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल याद कर लेना या एज इट इज कोट कराना, ठीक है जी। दो जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कैसे हो रखा है, एक बार कह रहा है ईबीआईटी 4 लाख ले लो, एक बार कह रहा है ईबीआईटी 2 लाख ले लो। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, एक बार कह रहा है ईबीआईटी 4 लाख ले लो, एक बार ईबीआईटी कितना ले लो, 2 लाख ले लो, ठीक है जी। देखो जी वो कह रहा है स्मार्ट स्टेशनरी हैज़ टू बी फंड 40 लाख, कह रहा कंपनी का 40 लाख चाहिए न्यू प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी टू रेज द अमाउंट, इक्विटी एंड डेप्ट। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोस, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट 9%, फेस वैल्यू शेयर है 100 रुपीज, टैक्स रेट है 30%, ईवीआईटी दे रखा है 8 लाख। ये जो एमसीक्यूज हैं अगर हम सॉल्व करेंगे अपने आप हो जाएंगे एमसीक्यूज। देखो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं आरओआई से। एनसीईआरटी में ना एक बार ईवीआईटी 4 लाख ले रखा है, एक बार 2 लाख लेने होगा, इन्होंने उसने एनसीईआरटी का 1-1 0 बढ़ा दिया, क्या कर दिया, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बस 1-0 बढ़ा दिया, क्या कर दिया, वहाँ 4 लाख है यहाँ पे क्या कर दिया 40 लाख। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में 1-0 बढ़ा दिया क्योंकि सेम कॉपी नहीं कर सकते ना एनसीईआरटी से बुक वाले, तो इसलिए उन्होंने 1-0 बढ़ा दिया। तो जो देखो ई आर ओ आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बी आई टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ई बी आई टी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बच्चों ई बी आई टी दे रखे 40 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने जरूरत है 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड जरूरत है हमें 40 लाख, 4 करोड़ की, सॉरी 4 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना आ गया बच्चों 10%, ई बी आई टी 8 लाख है, सॉरी ई बी आई टी 8 लाख है, सॉरी ई बी आई टी बच्चों 8 लाख है, ई बी आई टी 8 लाख है। यही बच्चों एग्जाम्पल याद कर लेना, एनसीईआरटी में यही है बस, फिगर एक फिगर याद है बस। हाँ जी बच्चों ई बी आई टी है 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख। बच्चों नीचे ई बी आई टी दे रखी है 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 40 लाख, कितना आ गया आर ओ आई 20%, ठीक है बच्चों। तो आरओआई क्या है 20% है, वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है, एनसीईआरटी में ईबीआईटी 4 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एग्जांपल याद है, उसमें ईबीआईटी 4 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 40 लाख है, इसने थोड़ा फिगर चेंज कर दिया है यही। तो आरओआई आ गया बच्चों 20%, कितना आ गया, तो और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, डिबेंचर का रेट कितना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 9%, तो क्या यूज करनी चाहिए, ठीक है जी। आर ओ इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट, सो यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट, जितना ज्यादा डेप्ट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमें, यूज ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा आप डेप्ट यूज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, वी विल गेट द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, हमें क्या मिलेगा एडवांटेज, वी विल गेट मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, मोर एंड मोर डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, इससे हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, एंड वी विल गेट एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और हमें किसकी बेनिफिट मिलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिल रही है, अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिल रही है। 3 केसेस हैं,
उन तीन केसेस हैं, आओ प्रूव करके दिखाना है। तीन केसेस हैं, आपको इन तीन केसेस में प्रूव करके दिखाना है कि भाई आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी अगर आप मोर एंड मोर डेप्ट यूज़ करोगे। जितना ज़्यादा डेप्ट यूज़ करोगे आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। करो भाई, EBIT कितना है? 8 लाख तीनों केसेस में। तीन केसेस दे रखे हैं, 8 लाख EBIT। हाँ जी, जो पहला केस देखो क्या है, पहला केस क्या है? पहला केस है इक्विटी यूज करो 40 लाख, इक्विटी यूज करो 40 लाख और डेब्ट यूज करो 0। इक्विटी यूज करो 40 लाख, डेब्ट यूज करो 0। दूसरा केस क्या है? 30 लाख इक्विटी यूज करो, 30 लाख इक्विटी यूज करो और डेब्ट यूज करो 10 लाख। तीसरा केस क्या है? 10 लाख इक्विटी यूज करो। मैडम प्रूव करके दिखाना है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और उसने वो जो है ये वो भी पूछा गया, अर्निंग पर शेयर पूछी गई है MCQ में। MCQ नहीं देखा आपने? कोई बात नहीं, चलो हाँ, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ना। अगर बाय चांस MCQ में नहीं आया, प्रूव करके आ गया, फिर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो जी, ये जो EBIT आ गया, इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। EBIT में क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। EBIT में क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 0। इसमें कितना है? 10 लाख का 9%, 90। इसमें कितना है? 30 लाख का 9%, 270। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे क्या आ जाएगा? EBIT में इंटरेस्ट माइनस करोगे ये आ जाएगा EBT। करना हो जो माइनस 5,30,000 डिवाइड किसे करेंगे? माइनस करेंगे टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स इतना 2,40,000 और 7/10 का 30% 2,13,000 आगे 159। ये आ जाएगा जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। करना कितना आ गया अर्निंग्स अवेलेबल? 5,60,000 आगे 497 डिवाइड किसे कर देना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है, तो 40 लाख एक शेयर 100 रुपये का, कितने शेयर हो गए? 40,000। इधर एक शेयर 100 रुपये का है 30,000, एक शेयर 100 रुपये का है 10,000। ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ठीक है जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में इंटरेस्ट माइनस किया EBIT, EBIT में टैक्स माइनस किया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइड कर दो नंबर इक्विटी शेयर से, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा करना कितना? कितना? 14। कितना? सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कहाँ आ रही है? जिसमें सबसे ज्यादा डेप्ट था, वो तो मैं पहले से बता था कि अगर ROI ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो तो सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कहाँ आएगी? जब जहाँ डेप्ट ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन जो एक होमवर्क कर लो, सेम आपको सेम क्वेश्चन करना है, बस आपको ना होमवर्क है EBIT इज 2 लाख। ये क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन करना है, बस EBIT चेंज करके करना है। सेम क्वेश्चन करना, बस EBIT कितना ले लेना? 2 लाख। सेम क्वेश्चन EBIT 2 लाख से करना, वो तुम क्या करोगे? 2,40,000 करोगे, ROI आ जाएगा 5%। तो डेप्ट यूज नहीं करनी चाहिए। इवन तीसरे ऑल्टरनेटिव में EPS 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा करके देखना, होमवर्क है, ठीक है। NCERT में भी ऐसे ही हो रखा है। एक लास्ट टॉपिक करा दूं, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट 5 मिनट का है, 5 मिनट लगेंगे सर, ठीक है सर।
बस 5 मिनट वेट कर लो। हाँ जी, लास्ट टॉपिक, ठीक है जी, जो आपका क्या होगा, या तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर ये 6 नंबर का नहीं आया, ये 4 नंबर का आया, तो 1 नंबर का एमसीक्यू जरूर आएगा, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगा। अगर आपने फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल अच्छी तरह किया, एक तो आरओआई था, दूसरा फैक्टर क्या है, टैक्स रेट है, क्या है, ठीक है जी, नोट कर लिया, देखो जो रहिया, देखो जो जितने भी सैलरीड इंप्लॉयर्स हैं, सो उन सबको क्या कहा जाता है कि भैया आप लोग होम लोन जरूर लो। क्यों लो? क्योंकि सैलरीड इंप्लॉयर्स टैक्स चोरी नहीं कर पाते, बिजनेसमैन तो अपनी जो इनकम है छुपा लेता है, लेकिन सैलरीड इंप्लॉयर्स टैक्स चोरी नहीं कर पाते, तो अगर उनको लीगल वे से जाना पड़ता है, टैक्स सेव करना है तो लीगल वे में जाना पड़ेगा। लीगल क्या है, बंद कर दो भाई साहब जल्दी से, हुआ नहीं क्या अभी, नोट बना जल्दी करो, जल्दी कर लो, वो नोट कर दिया, जल्दी कर लो, हटा दूँ, छोटा कर देता हूँ, डब नहीं कर रहा। हाय मुझे सुनो भाई, लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, समझ लेना। इसे टॉपिक का नाम है जो टैक्स रेट, फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटलचर में ही है टैक्स रेट। देखो जो जो एक बिजनेसमैन होता है वो तो टैक्स छुपा लेता है, चोरी कर लेता है अपनी इनकम कम करके, लेकिन सैलरीड इंप्लॉयज नहीं कर सकते, तो उनको क्या रिकमेंडेशन दी जाती है, लोन लो। क्या लो? होम लोन, या कुछ लोन लो, होम लोन लो, क्योंकि होम लोन पे क्या मिलता है, जिसका इंटरेस्ट होता है ना, वो उस पर टैक्स सेविंग मिलती है। क्या मिलती है? तो चाहे डिबेंचर्स हो चाहे लोन हो, हमें इनकम टैक्स में उसकी टैक्स सेविंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है? टैक्स सेविंग। यानी देखो फ़ायदा क्या है इंटरेस्ट देने का, मतलब कि आपको देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे 10% डिबेंचर्स है, 10% डिबेंचर्स है, ठीक है, 1 लाख रुपये। मैं आपको बताता हूँ, 2 कंपनी है, एक ने डेब्ट यूज़ किया, एक ने डेब्ट यूज़ नहीं किया। मान लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी थी 4 लाख, इसकी भी 4 लाख है, दोनों कंपनियों की कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, दोनों कंपनियों की कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, लेकिन एक कंपनी ने डेब्ट यूज़ किया, एक कंपनी ने डेब्ट यूज़, मान लो इसने डेब्ट यूज़ किया 10 लाख रुपये का, एक कंपनी ने 0 डेब्ट कंपनी है और एक डेब्ट कंपनी है, 10 लाख का डेब्ट यूज़ किया, ठीक है बच्चों। और मान लो इक्विटी है इसकी 40 लाख की, इसकी 10 है तो इक्विटी कितनी हो गई, 30 लाख की। बच्चों इस कंपनी ने डेब्ट यूज नहीं किया, इस कंपनी ने डेब्ट यूज किया, इस कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इस कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 लाख का 10% 1 लाख। क्या आ गया ये? ईबीटी आ गया। क्या आ गया? ईबीटी आ गया। देखो बच्चों टैक्स, मान लो टैक्स रेट है 50%, टैक्स रेट है 50%, इस कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा, गवर्नमेंट को, इस कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा, 2 लाख। इस कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा, इस कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 1.5 लाख। बच्चों इस कंपनी को 2 लाख, इसे 2 लाख टैक्स देना पड़ा, इस कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा, 150। तो टैक्स सेविंग कितनी हुई इस कंपनी को, 50,000। इस कंपनी को टैक्स सेविंग कितनी हुई, 50,000। तो जो एक तो क्वेश्चन आ सकता है, टैक्स सेविंग बता दो जी, तो टैक्स सेविंग 50,000 है। आप भैया 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा नहीं करोगे, सीधा टैक्स सेविंग कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, क्योंकि जो इंटरेस्ट को ना टैक्स में खर्चा माना गया है, उसमें आपको टैक्स सेविंग मिलती है। तो जो अगर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि टैक्स सेविंग बता दो, क्या बता दो, टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग कितनी हो रही है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख के डिवेंचर है, जितना डिवेंचर है ना उसे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। टैक्स रेट कितना है बच्चों, 50%। आंसर आ गया टैक्स सेविंग इज 50,000। यानी आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टैक्स सेविंग कितनी हो जाएगी, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट। समझ आ गया, इंटरेस्ट कैसे निकाला, डिबेंचर है 10 लाख के, जैसे अकाउंट्स में निकालते हो, 10 लाख का 10%, इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 लाख, कितना हो गया, और टैक्स रेट कितना है, 50%, मतलब टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स सेविंग।